मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शामली में रैली के दौरान हंगामा दिखाई दिया। वहां पर आपको बता दें कि वकीलों का यह हंगामा दिखा, आप देख सकते हैं कि बाहर गेट के इस वक्त वकीलों का हंगामा चल रहे हैं, वो बैनर लेकर अंदर तक आ गए थे और पूरी तरह से पुलिस ने गेट भी बंद कर दिया है। ये हंगामा अंदर ना हो, क्योंकि जिस तरीके से जो अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, क्या हुआ जी आपकी तो मांग मानी कि नहीं मानी? हाई कोर्ट बेंच के लिए भी कोई मिलने के लिए नहीं आया। आए तो थे मिलने? नहीं, कोई नहीं आया अभी। बाहर पूरी तरह से हंगामा हो रहा है। हम ये कह रहे हैं हमारे पांच आदमियों का प्रतिनिधि मंडल जब सभा हो जाए उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलवा दो, क्या गलत है? तो मन से मंत्री बोल तो रहे हैं कि मिलवाएंगे। हाँ तो दे रहे हैं हम, लिस्ट बात क्या है, हम कोई लड़ाई करने थोड़ी आए। हमने पहले भी कहा श्री हम शांति प्रिय आए और शांति प्रिय ही रहेंगे, ना हम प्रशासन को परेशान करने आए। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ के समस्याओं का सुलझाने के लिए है, हम ज्ञापन देने के, हमारी उम्मीद है। हाँ जी हाँ जी, व्यवस्था खराब करने के लिए जो है ये वकील लोग आए हुए हैं यहाँ पे जानबूझ के आए हुए हैं, इसलिए अगर आपको आना ही था एडवोकेट है, ये सब लोकदल के एजेंट है, जानबूझ का है कि आप हंगामा हो, हमारी रैली फ्लॉप हो, हम इनका बहिष्कार करते हैं, हम पूरे इनके साथ रहे, आगे भी साथ थे, लेकिन ऐसा आरोप आप लग रहा है, ऐसा आरोप ये कहते हैं कि हम गलत हैं, तो हम एक मिनट पहले चल जाओ, सब लोकदल के एजेंट है, वहाँ मेरा डर है, वहाँ जाओ, लखनऊ जाओ। आज इस मौके पे आप यहाँ क्यों आए हो? मौके पे रैली फ्लॉप करना है, ये सब लोकदल के एजेंट है, इस रैली को खराब करना, ये मांग 60 साल चल रही, आज चली चल रही मांगे। योगी जी आ रहे हैं वहाँ से, दलाल बन के आए हैं यहाँ पे, मेरठ से इतनी दूर चल गए, लखनऊ नहीं जा सके। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप ज्ञापन दे सकते थे और बाहर हम कुछ भी कर ले हमारी बुआ मरंगा जीतेगी। हाँ जी हाँ जी बताइए। मैं जा रही है व्यवस्था खराब करने के लिए आए, बस आज वकील लोग यहाँ रैली को खोने के लिए आए और आप लोग दल से मिले हो क्या जी? आप लोग लोकदल के इस बात को मानते हो तो आप आज अपना ज्ञापन नहीं देने दे, आप अपना ज्ञापन बागपत दो नखलाऊ जाके दो, यहीं पे दिया जाएगा। और पूरी तरह से हंगामा जो है वकीलों में और समर्थकों में यहाँ पर पूरी तरह से हंगामा दिखाई दिया जा रहा है साफ तौर पर, और वकीलों का ये हंगामा लगातार जारी है। बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, रैली में इस वक्त अव्यवस्थाएं साफ तौर पर चल रही हैं। संजीव बालियान जो मंत्री हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर समझाते बुझाते आप देख सकते हैं, पूर्व मंत्री मोदी सरकार के वो भी यहाँ पर समझा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से गेट बंद कर दिया गया है, क्या मंत्री जी गेट को खुलवाएंगे? कुछ हंगामा खत्म हुआ कि नहीं? बातचीत चल रही है, SSP साहब से बातचीत कर रहे हैं मंत्री जी, वहाँ समझा रहे हैं कि अब हंगामा है और गेट खोल दिया जाए। क्या लगता है संजीव जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, वो डेलीगेशन मिलना चाहता है CM साहब से? मैंने कहा डेलीगेशन को मिलवाऊंगा, मैं उनकी मांग के समर्थन में हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बननी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री के समक्ष पब्लिकली इस बात को उठाऊंगा और जो उनका प्रतिनिधिमंडल है उनसे मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा। समर्थकों का आरोप है कि RLD के लोग हैं, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जो ऐसे आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये सब वकील हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, ये पार्टी लाइन की मांग नहीं है, पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग मांग है। साफ तौर पर ये एक्सक्लूसिव हेडलाइंस इंडिया पर आप देख रहे थे, मंत्री संजीव बालियान ने साफ तौर पर कहा कि हम मिलवाएंगे डेलीगेशन, कहीं ना कहीं मिलवा के बातचीत होगी, लेकिन जिस तरीके से गेट बंद है उसके बाद आप कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। हमने सहयोगी रोहित कुमार के साथ नवीन चौहान, शामली, हेडलाइंस इंडिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।